मेक इन इंडिया अभियान रे भारत को मिलला बड़ सफलता एणिकी भारत रे निर्माण करा जीवो C295 परिवहन विमान तबे जानंतु संपूर्ण अपडेट कोन होची वीडियो टी को आरंभ करबा पूर्वरु सब्सक्राइब करियंतु ओडिया न्यूज दुनिया को पाखरे आसुतिबा बेल आइकन टी को प्रेस करियंतु। तबे अक्टोबर 30 तारीख रविवार गुजरात रे सामरिक परिवहन विमान निर्माण कारखाना शिलान्यास करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही विमान निर्माण कारखाना टाटा एयरबस मिलित सहयोग रे परिचालित हेबो। देशरे सामरिक विमान निर्माण कारखाना प्रतिष्ठा हेबा परे भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र रे एक बड़ सफलता हासिल करिछि। सामरिक विमान कारखाना प्रतिष्ठा करी भारत विश्व रे सेही 12 देशंकु ने गठित स्वतंत्र क्लब रे शामिल होइछि। जेउ मानक पाखरे सामरिक विमान उत्पादन करिवार निजस्व क्षमता रहिछि एणिकि भारत रे निर्माण करा जिवो C295 परिवहन विमान जहाँ व्यवहार सामरिक क्षेत्र में करा जाय थे। घरोई शिल्प रे C295 उत्पादन होउछि प्रथम मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम जहाँ कि एक शिल्प इकोसिस्टम विकास करथे। या उत्पादन ठारु आरंभ करी एकत्रीकरण परीक्षाकरण योग्यता विमान रो वितरण रक्षणाबेक्षण पर्यंत सबकिछ अंतर्भुक्त। एने होइतिबा चुक्तिनामा अनुजाई 2023 सेप्टेम्बर रु 2025 अगस्त मध्य 16 C295 विमान उड़ाण अवस्था रे भारतीय वायुसेना को वितरण करा जिवो। अवशिष्ट 40 विमान गुजरात रो वडोदरा स्थित कारखाना रे वायुसेना लागि उत्पादन करा जिवो। भारत रे निर्मित विमान मध्य रे स्वदेशी सामग्री सर्वाधिक स्पेन रे एयरबस करतबा 96% कार्य एही यूनिट ठारे करा जिवो। एने प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु कहा जाय छि एही प्रकल्प को भारतीय ज्ञान कौशल रे एवं उच्च प्रतियोगिता मूलक विमान शिल्प रे प्रवेश करबा पई एक उत्तम सुजोग। एहा घरोई विमान उत्पादन को वृद्धि करबो जहा आमदनी उपर निर्भरशील हासक करि रप्तानी वृद्धि करबो। समस्त 56 विमान रे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन होइतिबा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण सहित संयुक्त। तेबे इथला वर्तमान बड़ अपडेट मेक इन इंडिया अभियान को मिलला बड़ सफलता 12 देशर स्वतंत्र क्लब रे शामिल हेला भारत। आपनकर मतामत एने कोन रहिछ कमेंट सेक्शन में जानतु। आगामी अपडेट पे सब्सक्राइब करनियंतु ओडिया न्यूज दुनिया को वीडियो को लाइक शेयर करनियंतु। मु रहली नमस्कार।